कोरोना महामारी की इस विकट परिस्थिति में आजचा की सियासत में उबाल आ गया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा पर जहां कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया था, वहीं सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री को इस्तीफा देने की सलाह दे दी। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल सीहोर के आष्टा के सरकार अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद यहां सियासत का महासंग्राम शुरू हो गया। पूर्व मंत्री की इस घोषणा पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कह दिया कि जिस विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं उसी विधानसभा में विधायक निधि खर्च कर सकते हैं। विधायक निधि का तो नियम है कि जिस विधानसभा का आप प्रतिनिधित्व करते हो उसी विधानसभा में वो राशि खर्च कर सकते हो। अब मुझे नहीं आ रहा समझ में कि कोई दूसरे क्षेत्र का विधायक आष्टा में कैसे लेटर दे रहा है और कैसे विधायक निधि यहाँ लग जाएगी। मैं तो यहाँ के सांसद जी को और विधायक जी को धन्यवाद दूंगा कि आष्टा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि और सांसद निधि दी है। पर यदि मैं भोपाल से आऊँ, मेरी विधानसभा भोपाल में है और मैं ये चाहूँ कि मैं आष्टा में विधायक निधि से कुछ दूँ तो ये संभव नहीं है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के इस बयान पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया और कहा कि विश्वास सारंग योग्य नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले सूत्रवाद बीजेपी का बता दिया, झूठ बोलो झूठ बोलो जोर से बोलो। बेशर्म लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में शर्म भी नहीं आती। आदमी टप टप करके मर रहा है, यदि एक जनप्रतिनिधि पैसे दे रहा है तो उसका सदुपयोग करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी सरकार तो कंगली सरकार है जिसने 2.5 लाख करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया। पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का जिला सीहोर माना जाता, आस्था उसकी धड़कन है, वहाँ के हालात इतने बुरे हैं। यदि एक जनप्रतिनिधि यदि पैसा देता तो उसका सम्मान करना चाहिए। शर्म भी नहीं आ रही झूठ बोलते हुए विश्वास सारंग को। विश्वास सारंग तत्काल इस्तीफा दे दो, तुम इस योग्य नहीं हो। जिसे नियम कायदे कानून जिसकी सरकार ने बनाए हो और उसे ही वो नियम कायदे कानून पता नहीं है, लोगों को झूठ बोल के अंधेरे में रख रहे हो, तो ये झूठ बोलने वालों की सरकार अब चलेगी नहीं जा सकती। देखा जाए तो कोरोना महामारी के इस दौर में आष्टा की सियासत में जमकर हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज सीहोर।